हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपने अक्सर ये सुना, लोगों को कहते हुए ये सुना होगा कि आज का आसमान साफ है, आज बादल हैं, आज सूरज बहुत तेज़ निकला है। तो ये सब लोग कहते रहते हैं, यानी लोग ये देखते हैं कि आज का जो है वो मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज़्यादा ठंड रहेगा या और शाम को और ज़्यादा ठंड रहेगा। तो ये सब चीज़ देखेंगे आप कि लोग बोलते रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब चीज़ पढ़ेंगे, टेम्परेचर और क्लाइमेट के बारे में। तो वेदर, वेदर क्या है? तो आप एक देख लेंगे कि एक एक्टिविटी करना है। फिगर 7.1 में एक एक्टिविटी हमें करना है कि वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। हम लोग पेपर में हमेशा देखते हैं कि जो वेदर रिपोर्ट रहता है उसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में दिया रहेगा, अगले 24 घंटे के रेनफॉल, ह्यूमिडिटी के बारे में दिया रहता है। तो ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है? तो ये रिपोर्ट तैयार करता है, इंडिया में इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और वही ये रिपोर्ट को तैयार करता है। कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है? तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो अभी हमें एक एक्टिविटी करनी है आपको कि 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन का, आप ले लो 10 दिन का एक पेपर इकट्ठा करना है, और पेपर से आपको उसमें रोज़ का जो वेदर का रिपोर्ट रहता है वो देखना है। वेदर का रिपोर्ट देखकर और आपको इस टेबल में लिखना है, ये जो नीचे दिया हुआ टेबल है ना 7.1, 23 से शुरू करना है। तो 23 का इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितना, रेनफॉल कितना। हो सकता है रेनफॉल का समय ना हो तो रेनफॉल के बारे में ना दिया हुआ है। और 5 दिन का आप ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके बारे में देखना है कि क्या डिफरेंसेस आएगा। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि डेली बेसिस पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, वेदर, ये सब हमेशा अक्सर चेंज होते रहता है। तो ये आप ऑब्ज़र्व करोगे। इसमें एक क्वेश्चन है कि रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं रेन गॉज। अगर कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि रेनफॉल कैसे मेजर होता है, तो रेनफॉल का मेजरमेंट रेन गॉज से होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे वेदर को? वेदर क्या है डिफाइन कैसे करेंगे? मौसम, मौसम क्या है डिफाइन कैसे करेंगे? तो द डे डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर दिन का वेदर अलग अलग रहता है, तो उसी तरह हर जगह का भी वेदर अलग अलग रहता है, रेनफॉल भी अलग अलग रहता है, ह्यूमिडिटी भी अलग हो जाता है। तो डे टू डे जो कंडीशन है एटमोसफेयर का किसी पर्टिकुलर प्लेस का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इज कॉल्ड वेदर, उसको बोलते हैं वेदर, वेदर एट दैट प्लेस, क्योंकि हर प्लेस का ना अलग अलग वेदर होता है। वेदर का एलिमेंट क्या है? तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर जैसे विंड, विंड का स्पीड क्या है, विंड किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये सब को बोलते हैं वेदर का एलिमेंट। फिर नीचे देखते हैं, द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक वीक आफ्टर वीक। That is why we often say today weather is too humid. आप देखते होंगे कि वेदर हमेशा चेंज होते रहता है, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि आज का वेदर बहुत ह्यूमिड है, या आज ज़्यादा गर्मी है, या आज गर्मी भी लग रही है और पसीने भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये सब ना डेली का डेली चेंज होते रहता है। तो वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स, वेदर क्या बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, और इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, एंड इट कैन वेरी वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड, और बहुत कम समय में ही आप देखोगे कि वेदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि सुबह में सूरज निकला हुआ था, और तुरंत 1-2 घंटे के बाद देखेंगे कि अब बारिश, वर्षा होने लगती है, यानी बारिश होने लगती है। इट कैन हैपन समटाइम डैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, सुबह में आपका सूरज निकला हुआ एंड सडनली क्लाउड अपीयर, देखें क्या बादल तुरंत आ जाएगा, इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवली और बारिश होने लगेगी। यानी वेदर क्या होता है कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में भी चेंज हो जाता है। यानी वेदर हमेशा क्या होता है चेंज होते रहते हैं, यानी आसमान में जो है ना हमेशा डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है वो होता रहता है।
तो और हर जगह का भी वेदर अलग अलग होता है। जैसे कि लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, आप एक ग्राफ को देखना है, 3 अगस्त 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 शिलोंग मेघालय का दिया हुआ है। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे, इस इमेज में देखेंगे कि हर दिन टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे कि 3 तारीख का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस था, 4 का देखो 23 हो गया, 5 का नहीं, हर दिन क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जिस तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज होता है, उसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एनी वेदर रिपोर्ट दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। वेदर रिपोर्ट में आप देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डेली के बेसिस पर क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। जो सबसे कम टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं, उस दिन का 24 घंटे में जो सबसे कम टेम्परेचर मेजरमेंट हुआ उसको बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर, और जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है उसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम टेम्परेचर। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे अकर जनरली इन आफ्टरनून, मतलब जनरली जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है देखेंगे कि आफ्टरनून में अकर होता है, और मिनिमम टेम्परेचर जो होगा ना वो सुबह मॉर्निंग के टाइम में होगा। इसी कारण हम लोग दोपहर में ना अनकम्फर्टेबल थोड़ा हो जाते हैं और सुबह में थोड़ा हम लोग कम्फर्ट रहते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे अकर जनरली इन आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन अर्ली मॉर्निंग। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर वेदर चेंजेस होता क्यों है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ एक दिन में क्यों होता है। तो इस सब का कारण क्या है, सन। आपको पता ही है कि सन क्या है, एक बहुत बड़ा आग का गोला है, और सन बहुत सारा हीट एनर्जी को रिलीज़ करता है जो धरती पर पहुंच जाता है। हीट एनर्जी धरती पर पहुंचने के कारण कुछ जगहों में हवा गर्म हो जाता है और ऊपर की ओर चला जाता है। हवा जब ऊपर की ओर जाता है तो आपको पता होगा कि लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर को भरने के लिए ठंडे रीजन का जो हवा होता है वो बहकर हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर जाता है, यानी हाई प्रेशर रीजन से जो हवा है लो प्रेशर रीजन की ओर हवा जाता है, यानी विंड बहुत तेज बहता है। तो इस वजह से स्टॉर्म यानी आंधी आने का भी खतरा बढ़ जाता है, और इस तरह से जो एक्टिविटीज़ है वो चेंज होते रहता है। जैसे आपको सूरज के कारण जो हीट एनर्जी निकलता है तो ओशन यानी समुद्र में भी बहुत सारे हरकत होता है, धरती के सरफेस पर बहुत सारा हरकत होता है। आप देखिए, इफ़ यू लिव नियर सी यू वुड हैव अ रियलाइज डैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट। अगर आप समुद्री इलाका में रहेंगे तो वहाँ का देखना वेदर अलग रहेगा, और अगर आप लैंड बाउंड एरिया में रहेंगे यानी जहाँ समुद्र नहीं होता वहाँ का वेदर अलग होगा। यह सब का कारण क्या है, सन। सन से जो हीट निकलता है ना उसके कारण ऐसे चेंजेस क्रिएट होते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट है क्या, तो क्लाइमेट का डेफिनेशन ये है कि द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर लॉन्ग, किसी एक जगह का बहुत लंबे समय तक हम उसका वेदर मेज़र करते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ जैसे कहा हुआ है कि 25 साल, इससे ज़्यादा समय भी हो सकता है और इससे कम समय भी हो सकता है। उसके बाद एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं, 25 साल 30 साल के बाद जो वेदर का हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसमें एक हम ना पैटर्न ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि इस जगह का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, यानी ये जगह हमेशा ठंडे इलाका है, और या तो इस जगह का क्लाइमेट हॉट है यानी ये गर्म इलाका है। तो 25 साल का जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है उसी को बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और हर प्लेस का ना क्लाइमेट अलग अलग होता है। जैसे कुछ जगह होता है जो ठंडा रीजन कहलाता है ना, वहाँ ठंड रहता है, कुछ रीजन ऐसा होता है जहाँ गर्मी होता है, आप देखेंगे ज़्यादा गर्मी रहेगा, जैसे कि टेबल 7.2 और 7.3 में दिया हुआ, यानी दो जगहों का हमने टेबल 7.2 और टेबल 7.3 में मेजरमेंट किया। एक जगह आप देख लो कि जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ हमने टेम्परेचर का मेजरमेंट किया तो पाया, देखिए जनवरी अप्रैल मई यहाँ देखो मिनिमम टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर आप ज़्यादा 29-23 जा रहा है। यहाँ आप देखो रेनफॉल का हमने मेजरमेंट किया, वहीं आप तिरुवनंतपुरम यानी केरला का हमने मेजरमेंट किया, और ऑब्जर्व किया कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है वो ठंडे रीजन में आता है, यानी वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ठंड है, और केरला का जो टेम्परेचर क्या है, गर्म रहेगा। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of a Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is a very hot. हम देख रहे हैं ऊपर से ऑब्जर्व करें कि केरल क्या हॉट और वेट है, जहाँ हॉट रहेगा वेट रहेगा, वेट मतलब वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली डेटा फॉर वेस्टर्न रीजन, अगर वेस्टर्न रीजन का मतलब कि जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो पाएंगे कि वो रीजन जो है गर्म है,
फॉर एग्जाम्पल राजस्थान विल शो डैट द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। राजस्थान का अगर हम मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राजस्थान जो है ना पूरे साल गर्म रहता है, और वहाँ जो होता है राजस्थान में विंटर बहुत कम समय के लिए आएगा। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, दिस इज अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। और राजस्थान जैसे गर्म तो रहेगा और रेनफॉल भी कम होगा, इसलिए इस ये रीजन में बहुत रेनफॉल कम होगा, और ऐसे क्लाइमेट को हम लोग टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट बोलते हैं। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, हॉट तो रहेगा साथ साथ में ड्राई रहेगा। ठीक उसी तरह द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका आसाम, मेघालय, ये सब जो रीजन है फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। देयरफॉर वी कैन से डैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज़्यादातर बारिश होते रहती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये रीजन वेट है। वेट मतलब यहाँ जो है वो बारिश बहुत होती है। क्लाइमेट एंड एडप्शन, क्लाइमेट क्या है तो आपको पता ही है कि हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। द क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिस तरह का जहाँ क्लाइमेट होता है उसी के अनुसार वहाँ ऑर्गेनिज्म मतलब वहाँ उसी तरह के एनिमल भी रहते हैं। एनिमल आर अडेप्टेड टू सर्वाइव, एनिमल का शरीर का जो डेवलपमेंट होता है इस तरह से होता है कि उस तरह के कंडीशन, उस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेज स्पेशल फ्यूचर। जो एनिमल ठंडे रीजन में रहता है उसके शरीर का स्पेशल फीचर रहता है, और जो एनिमल गर्म रीजन में रहेगा उसका थोड़ा अलग फीचर रहेगा। फीचर्स एंड हैबिट डैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब कुछ जो ऑर्गेनिज्म जैसे क्लाइमेट में रहता है वैसे ही अपने आप को डेवलप कर लेता है, और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन रहता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को उसी तरह से डेवलप करके ही उसका जो बर्थ होता है। ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि आपको पोलर बियर है वो ठंड में रहता है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो ठंड में रहने के लिए ही उसका जन्म होगा। ऐसा नहीं उसको आप गर्म रीजन में रख दोगे तो आप वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। यानी वो अपने आप को डेवलप ही ऐसे करता है कि वैसे रीजन में वो सर्वाइव कर जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर एज एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्शन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिस्कस ओनली द एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। मतलब इस चैप्टर में सिर्फ दो तरह के एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक ऐसा एनिमल जो पोलर रीजन में रहता है और दूसरा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहेगा। जैसे सम वेल नोन कंट्री बिलोंग टू पोलर रीजन, कुछ ऐसे कंट्री जो पोलर रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ ठंड बहुत होती है, कैनेडा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, अलास्का, USA, ये सब बहुत ठंड रीजन होता है। यानी पोलर रीजन है, जो जगह पोलर रीजन के नज़दीक या पोलर रीजन में सिचुएटेड है वो वहाँ बहुत ठंड होते हैं, और उसी तरह के एनिमल भी वहाँ पाए जाएंगे जो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसे जगह जहाँ गर्मी होती है और बारिश बहुत होती है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इंडिया भी है, ये सब ऐसे जगह हैं जहाँ पर बारिश बहुत होती है, गर्मी होती है, और गर्मी के होने के कारण यहाँ बारिश भी बहुत रहती है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते पोलर रीजन के बारे में। तो पोलर रीजन प्रेजेंट एट एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम ठंड रहेगी। दीज रीजन आर कवर्ड विथ स्नो, पूरा ये रीजन क्या है, बर्फ से भरा हुआ है। 6 महीने तक यहाँ सूरज निकलता ही नहीं है और 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं है। यानी 6 महीने तक ये सब रीजन में हमेशा दिन ही रहेगा और 6 महीने तक लगातार रात रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर -77 डिग्री सेल्सियस, यानी इस टेम्परेचर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। यानी इंडिया के लोग तो इस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इतना लो टेम्परेचर में रहने का इंडियंस को आदत नहीं है। अच्छा, इतने लो टेम्परेचर में जो एनिमल रहेंगे उसमें स्पेशल फीचर होगा कुछ, तो किस तरह के एनिमल रहते हैं? तो ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में जो एनिमल रहते हैं उसका कुछ एग्जांपल है पोलर बियर इस रीजन में रहते हैं। तो आप देखोगे पोलर बियर रहता है वाइट कलर का और उसमें फर रहता है, मतलब स्किन रहेगा, डबल स्किन होता है, और वाइट कलर का इसलिए रहता है क्योंकि वो बर्फ में अगर वाइट कलर रहेगा तो छिप जाएगा, मतलब शिकारी देख नहीं पाएगा इसको, मतलब ये अपने दुश्मनों से बचा रहेगा, और ये शिकार कर भी सकता है क्योंकि वो देख नहीं सकता है, ये पता ही नहीं चलेगा, उसका जो कलर है वो बर्फ में मिक्स हो जाएगा, इसलिए इसको ये शिकारी से बचा रहता है और शिकार करने में इसको आसानी भी होती है। तो इतने ठंड रीजन में ये सर्वाइव कैसे करता है?
तो सरवाइव करने के लिए इस ये पोलर बियर ने अपने शरीर में एक स्पेशल फीचर डेवलप करके रखा है। इसमें डबल लेयर ऑफ फर, मतलब दो तरह का स्किन होता है, दो तरह का उसमें ये होगा, क्या बोलते हैं, क्या बाल होंगे, फर होंगे जिसको बोलते हैं। ये फर क्या करेगा, इसको ना ठंड से बचाता है। इसके अलावा इसके शरीर के अंदर जो होता है वो फैट रहता है, मोटा फैट, जो शरीर को ना ठंड से बचाता है। और ये फैट का लेयर इतना ज़्यादा मोटा होता है कि यदि पोलर बियर अगर तेज़ चलने लगे तो गर्मी से उसका जो फैट का लेयर वो पिघलने लगता है गर्मी से। आपको पता ही है फैट जो है वो गर्म से पिघलना शुरू करता करने लगता है, मेल्ट डाउन होने लगता है। इसलिए आप अक्सर ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो पोलर बियर है वो धीरे धीरे चलता है आराम से। इसलिए धीरे धीरे चलने से उसका बॉडी हीट नहीं होता है और जो उसके अंदर जो फैट का जो लेयर है वो बचा रहेगा, पिघलेगा नहीं। अगर वो तेज़ चल दिया तो फैट का लेयर ही उसका पिघल जाएगा। तो फैट का लेयर उसके अंदर इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ठंडा टेम्परेचर से, यानी बहुत लो टेम्परेचर से उसको प्रोटेक्ट करता है। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म एंड नेसेसिटीज कूलिंग, इसमें दिया हुआ सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। गर्मी के समय में जो पोलर बियर है वो स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। उसका शरीर इस तरह से डिजाइन होता है कि वो स्विमिंग भी कर सकता है। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक एंड विथ इज इन ए स्नो। उसका जो पैर होता है वो बहुत वाइट वाइट कलर होता है ताकि वो आराम से बर्फ पर चल सके। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल एंड रिमेन अंडर वाटर। जो जब अगर वहाँ गर्मी का समय आएगा तो वो क्या करता है, पानी में ही मैक्सिमम रहता है। और उसका एक ऐसा करेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने नाक को भी बंद कर लेता है, क्योंकि फिर वो नाक को बंद करके अपना दूसरे तरीके से वो सांस लेना शुरू कर देता है। ठीक है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। और चूंकि ये सब एनिमल में स्मेल करने का बहुत ज़्यादा शक्ति होता है, यानी दूर से ये सब चीज़ को स्मेल कर लेगा। स्मेल करने का इसलिए इसके अंदर फीचर होता है ताकि अपने शिकारी को ये शिकार कर सके। ठीक इसी तरह का जो फीचर होता है वो पेंगुइन में भी होता है। पेंगुइन में भी आपने देखा होगा कि ये पोलर रीजन में ही आपको पाया जाएगा। ठीक इसी तरह का इसका फीचर रहेगा पेंगुइन में, ताकि इसको ठंडी से बचाया जा सके। इसका भी जो पैर होता है वो बहुत चौड़ा होता है पैर, ताकि ये बर्फ़ पर चल सके, मतलब इसका जो बर्फ़ पर चलने में आसान हो। अगर इसका पैर पतला रहेगा तो उसका पैर जो होता है बर्फ़ के अंदर चला जाएगा। आप देखिए किस तरह से ये शिकार करता है। ये पोलर बियर के बारे में दिया हुआ है कि द प्रेडेटर एंड प्रे अनेबल टू सी इट। चूँकि वाइट कलर का रहता है तो इसका शिकारी इसको देख नहीं सकता। द वाइट फर इज़ नॉट ईजली विजिबल। इसका जो वाइट कलर का जो बाल होता है वो विजुअल नहीं होता है, इसलिए विजुअल नहीं होता है क्योंकि बर्फ भी वाइट होता है। इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये अपने शिकारी को स्मेल करके शिकार करता है। इट हेल्प पोलर बियर टू लोकेट, मतलब स्मेल से ये अपने शिकारी को पता कर लेता है कि ये कहाँ है। इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉ, मतलब पैर इसका बहुत चौड़ा रहेगा ताकि ये आसानी से बर्फ पर चल सके। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट, फैट का लेयर रहेगा ठंडी से बचाने के लिए। फिर यहाँ देखो द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। जो फैट होता है वो क्या करता है, ठंडी से बचाता है और इसके बॉडी को स्ट्रांग रखता है। यहाँ ये सब दिया हुआ है। तो पोलर बियर में ये सब करेक्टरिस्टिक होती है। इसी तरह पेंगुइन में भी देखिए, पेंगुइन का जो है वो पैर का ये इमेज दिया हुआ कि इसका पैर बहुत चौड़ा होता है। चौड़ा होने से ये आसानी से बर्फ पर चल सकती है। जैसे पेंगुइन आर ऑल्सो अ गुड स्विमर, पोलर बियर की तरह ये भी गुड स्विमर होती है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीम, बॉडी बहुत स्ट्रीमलाइन होता है ताकि हवा कट जाए। हवा मतलब बॉडी को, मतलब स्ट्रीमलाइन होने से क्या होता है कि जो उसके थ्रू है हवा जो है आसानी से पास हो जाएगी। अदर एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सीन, रेंडर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स, बर्ड्स। इस तरह के भी जो एनिमल है वो पोलर रीजन में पाया जाता है। इट इज़ टू बी नोटेड डैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बहुत दिन तक। जो मछली जो पाई जाती है ना वो बहुत अंदर तक, बहुत दिन तक वो कोल्ड वाटर में ही रहती है अंदर। तो जो बर्ड है, जो पोलर रीजन में जो बर्ड पाया जाता है उसको तो भोजन मिलेगा नहीं, तो बर्ड क्या करती है, माइग्रेट हो जाती है। माइग्रेट हो जाती है यानी बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ने लगे तो जो चिड़ियाँ होती है आप देखेंगे उड़ कर वो चली जाएगी गर्म रीजन में। जैसे कि इंडिया में भी सुनने को मिलता होगा कि जब ये ठंड का समय पड़ेगा तो आप देखना कि भरतपुर राजस्थान और सुल्तानपुर हरियाणा में बहुत सारी जो साइबेरियन क्रेन है रसिया से उड़ कर चली जाती है, क्योंकि रसिया में बहुत ठंड है।
ठंड भी है, और ठंड होने के कारण मछली तो पानी के अंदर ही रहती है, तो उसको शिकार भी नहीं मिलता, यानी भोजन भी नहीं मिलता है। तो इससे बचने के लिए ये उड़कर रसिया से इंडिया आ जाती है, और जब ठंड उस रीजन का ख़त्म हो जाता है तो फिर से ये वापस लौट कर चली जाती है। तो इसका अगर कोई पूछे कि कोई ऐसा एग्जांपल है तो देखना, साइबेरियन क्रेन आती है, और कहाँ आती है, भरतपुर राजस्थान में और सुल्तानपुर हरियाणा में। ये आप देखो, इस तरह का जो है वो आपको पिक्चर भी बना के दिखाया हुआ है। अच्छा, इसमें एक डीडी उनो में दिया हुआ है कि जो पक्षी ठंडे रीजन से उड़कर गर्म रीजन में आ जाती है, वो 15-15 हज़ार किलोमीटर तक मतलब उड़कर आती है। तो ये आती कैसे, रास्ता इसको कैसे पता चलता है, तो इसका ना एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है कि कैसे आता है। देखो, सम यहाँ दिया हुआ, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मेजाज 15 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। जनरली दे फ्लाई हाई वेदर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल। मतलब बहुत ऊंचा उड़ कर आती है ताकि उसको ज़्यादा कोल्ड ना लगे। डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाई देयर फ्लाइट मसल्स। और जो हीट जो उसके मतलब उड़ने के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके शरीर में, वो डिस्पर्स हो जाता है। हाउ दिस बर्ड्स ट्रेवल टू सम प्लेसेस ईयर ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल मिस्ट्री। मतलब ये कैसे उड़ के इतनी दूर तक चली जाती है किसी को पता नहीं है अभी तक। इट सीम्स, मतलब ऐसा माना जाता था, बर्ड्स आर बुल्ड इन सेंस डायरेक्शन। मतलब उसको ना अपने दिमाग से वो डायरेक्शन को पता कर लेती है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क, कुछ बर्ड लैंडमार्क का यूज करती है, मतलब कोई चिन्ह का यूज करके आती है। मेनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाई द सन। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सूरज के डायरेक्शन को देख कर उड़ती है। और देयर इज़ सम एविडेंस, कुछ ऐसे भी सबूत मिले कि बर्ड्स मे यूज़ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूज करके डायरेक्शन पता करती है। इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स, कुछ बर्ड्स डैट माइग्रेट्स, मैमल, मेनी टाइप ऑफ फिश, इंसेक्ट ऑल्सो माइग्रेट सीजनली। ये बर्ड ही नहीं है जो माइग्रेट करती है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। मैमल, फिश, ये सब भी क्या होती है, माइग्रेट हो जाती है अपने सीजन के अनुसार। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है या बहुत ज़्यादा मतलब वेदर एक्सट्रीम हो जाता है, तो ये सब अपने जगह को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए या टेम्प्रोरली ये चेंज कर लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो रीज़न है जहाँ आपको ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश भी होता है। देखो, तो ट्रॉपिकल रीजन है जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। लोकेशन के कारण हॉट क्लाइमेट है क्योंकि इक्वेटर के करीब है। इक्वेटर के करीब जो भी जगह रहेगा ना, वहाँ हॉट कंडीशन रहेगा, और जहाँ भी हॉट रहेगा वहाँ बारिश ज़्यादा होगा। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हाइयर। मतलब ये सब ऐसे जगह है कि ठंडी के समय भी टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर, हॉट समर के समय में, गर्मी के समय में टेम्परेचर 40 डिग्री तक चला जाएगा। रात और दिन बराबर होता है यहाँ, जैसे कि पोलर रीजन में आप देखा था कि 6 महीने तक दिन ही रहता है और अगले 6 महीने तक रात रहता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रोज़ रात और दिन होता है, और दिन और रात जनरली यहाँ क्या होता है, इक्वल होता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ये सब रेन रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असाम। इन इंडिया में देखो, वेस्टर्न घाट यानी केरल साइड और असम यानी नॉर्थ ईस्ट साइड में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ये सब में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वार्म और रेन दिस रीजन सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चूँकि यहाँ बारिश बहुत होती है, क्लाइमेट भी ठीक ठाक है, ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, तो ये सब रीजन में वैरायटी यानी बहुत टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं पाए जाते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, ये सब टाइप के एनिमल पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और ये सब एनिमल ना इस वेदर के अनुसार अपने बॉडी को उस तरह को ढाल लिया है, मतलब अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनिमस नंबर। मतलब इसका क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट करता है। सिंस द नंबर ऑफ एनिमल्स आर लार्ज, देर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड सेल्टर। चूँकि एनिमल बहुत सारे के हैं, प्लांट बहुत सारे हैं, बहुत वैरायटी के प्लांट एंड एनिमल पाए जाते हैं, तो फूड के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। और ये अपने आप को ना इस तरह से अडेप्ट भी कर लिया, यानी अपने शरीर को ही इस तरह से ढाल लिया है कि आपको फूड के लिए कंपटीशन
करना ही है। जैसे रेड आइड फ्रॉग जो है हैव डेवलप ए स्टिकी पैड, उसका पैर स्टिकी होता है। इट्स फिट टू हेल्प इट टू क्लाइम ट्री, मतलब इतना स्टिकी होता है फ्रॉग, एक तरह का फ्रॉग है जो आपको अपने स्टिकी पैर से पेड़ पर चढ़ जाएगा। टू हेल्प देम टू लिव इन द ट्री, ट्री पे रहेगा। मंकीज में भी आप देखोगे लॉन्ग टेल टेल होता है ग्रैप्सिंग ब्रांच को ग्रैप्स करने के लिए। तो ये सब क्या है, स्पेशल फीचर्स है जो एनिमल को इस तरह के सिचुएशन में रहने में मदद करता है। चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है खाने के लिए, एज देर इज़ अ कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। खाने में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो कुछ एनिमल ने अपने अपने शरीर में इस तरह का फीचर डेवलप किया है कि जहाँ पहुँच नहीं सकते हैं खाने के लिए वहाँ भी ये पहुँच जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है टाउकेन। टाउकेन एक तरह का पक्षी है जो जिसमें स्पेशल टाइप का फीचर है, आप पहुंच भी नहीं सकते ना, वो तो बहुत पतला ब्रांच प्लांट का, जिस पर अगर वो पक्षी खड़ी हो जाएगी तो प्लांट टूट जाएगा। फिर भी लेकिन वो उसने शरीर को इस तरह से डेवलप कर लिया, उसमें ऐसे फीचर्स हैं कि वहाँ पर पहुँच कर वो अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव अ सेंसिटिव हेयरिंग, मतलब सबसे खास बात होता है इन सब एनिमल में कि वो हेयरिंग, मतलब बहुत कम आवाज़ को भी वो सुन लेगा। उसका आई साइट बहुत, मतलब देखने की क्षमता बहुत तेज है। स्किन बहुत ठीक होता है, स्किन कलर विच हेल्प देम टू कॉम्फ्लेज, मतलब छिपने में आसानी होती है। आई साइट शार्प इसलिए क्योंकि शिकार करने में आसानी होगा। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर, ये सब फीचर इसलिए डेवलप हुआ है कि उसको शिकार करने में आसानी हो और शिकारियों से उसको प्रोटेक्ट करें। जैसे बिग कैट फॉर एग्जाम्पल, बिग कैट्स हैव अ थिक स्किन एंड सेंसिटिव हेयरिंग, ये सब फीचर्स हैं जो इन सब एनिमल को क्या करता है, इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशन में अडॉप्ट करता है। ये देखो टाउकन है, टाउकन ये देखो, इसमें आपको इस तरह से इसका बॉडी डेवलप किया हुआ है कि ये नॉन रिसीवेबल एरिया में भी जाके अपने फूड को ले लेता है। देखो वेस्टर्न घाट में, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि वेस्टर्न घाट में किस तरह का मंकी पाया जाता है, तो लॉन्ग टेल्ड मैस्क्यू मंकी पाया जाता है जिसको बियर्ड ऐप भी बोलते हैं। इट ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज सिल्वर वाइट मेन, ये इस तरह की जो मंकी है जो वेस्टर्न घाट में रहता है, इसमें इस तरह की खास फीचर्स है। देखिए ये वाइट कलर का रहेगा जो, तो पूरे बॉडी को ये सराउंड करके, पूरे नेक को सराउंड करके रखा है। ये स्पेशल टाइप का फीचर है, ऐसे ही वेस्टर्न घाट में ही पाया जाएगा। इट इज़ गुड टू क्लाइंबर, ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है। स्पेंड मेजर, चूँकि इसको भोजन सारा ट्री पे ही मिल जाता है इस मंकी को, इसलिए ज़्यादातर ये पेड़ पे ही रहना पसंद करता है। क्या कहता है, फ्रूट्स मतलब जो सॉफ्ट लीव्स है, जो नए पत्ते हैं उसको भी खा लेता है, बीज को भी खा लेता है, फ्रूट को भी खा लेता है, फ्लावर बर्ड्स ये सब भी खाते हैं। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं। चूँकि सारा खाना पीना इसको अपने पेड़ पे ही मिल जाता है, तो ये ना ग्राउंड पाना पसंद नहीं करता। बियर्ड ऐप आपको वेस्टर्न घाट में मिलते पाए जाते हैं, ये याद रखना है। एक और ख़ास तरह के एनिमल है एलिफेंट, जो इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, या अफ्रीका में भी पाया जाता है। इसकी भी बॉडी बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के कंडीशन पर अपने शरीर को इसने ढाल लिया है। लुक एट इट्स ट्रंक, आप उसके नोज को देखो, उसका नाक, वो जो सूर होता है उसको नाक ही बोलते हैं। इट लुक एट इट्स ट्रंक, इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। वो ट्रंक जो सूर है वो नोज का ही काम, नोज ही है उसका, मतलब नाक ही है जो सूंघने का काम करता है। और पिकिंग अप द फूड, वो सूंघ कर अपने फूड को पिकअप करता है, कौन सा फूड खाना है और कौन सा फूड छोड़ देना है। मोर ओवर इट टस्क आर मॉडिफाइड, टीथ भी इसका मॉडिफाइड रहता है। एलिफेंट लव टू ईट, सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पटिशन, मतलब एलिफेंट का बॉडी भी इस तरह से डेवलप है कि उस कॉम्पटिशन में, खाने का जो कॉम्पटिशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उसमें भी ये सर्वाइव कर जाता है। लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, इसका देखो आपका ये कान भी बहुत बराबर है, तो आप हल्का भी बोलोगे तो ये सुन लेगा। दे ऑल्सो हेल्प एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब बॉडी इस तरह से इसका डेवलप है कि इसको हॉट क्लाइमेट में भी इसके बॉडी को क्या करेगा, कूल रखता है। तो इस तरह का फीचर्स डेवलप हुआ, मतलब रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स के पास अलग फीचर होते हैं, और जो पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उसमें अलग फीचर रहते हैं।
ठीक है, यानी वो अपने बॉडी को एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे रेन में रहने के लिए उसने अपने बॉडी को ढाल लिया है, और पोलर रीजन में भी वहाँ जो एनिमल पाए जाते हैं जैसे पोलर बियर और पेंगुइन, उन्होंने वहाँ रहने के लिए स्पेशली अपने बॉडी को उस रीजन में सर्वाइव करने के लिए ढाल लिया है। इसको बोलते हैं एडाप्शन। तो कुछ कीवर्ड्स है एडाप्शन, एडाप्शन इसी को बोलते हैं। एडाप्शन वह प्रोसेस है जिसमें एनिमल जो है एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए अपने बॉडी को क्या कर लेता है, वैसा बना लेता है। क्लाइमेट आपको पता ही है कि क्लाइमेट क्या होता है, जो एवरेज वेदर है 25 साल या 30 साल का जो एवरेज वेदर पैटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर और 28 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट। एलिमेंट ऑफ द वेदर, तो वेदर का एलिमेंट कौन है, तो क्या क्या हो सकता है, तो रेन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब। ह्यूमिडिटी क्या है, हवा में कितना पानी है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम टेम्परेचर, जो सबसे ज़्यादा एक दिन में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेजरमेंट होगा उसको मैक्सिमम टेम्परेचर बोलेंगे। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब खाने के सर्च में, यानी फूड के सर्च में जब कोई एनिमल या बर्ड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर होगा उसको मिनिमम टेम्परेचर बोलेंगे। पोलर रीजन, जो ठंडा रीजन होता है उसको बोलते हैं पोलर रीजन। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, -37 डिग्री तक चला जाता है। साइबेरिया में तो -38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो रीजन जो हॉट और ह्यूमिड होता है, और वहाँ पर जो जंगल होते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन वही रीजन जो हॉट और ह्यूमिड होता है। वेदर क्या होता है, जो चेंजेज है, जो डेली चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, रेन, ह्यूमिडिटी, इसको ही क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।